जो लॉकडाउन का समय था, इस समय में मैंने अपने आप में अपग्रेड किया और मैंने गाने लिखना शुरू किया। नमस्कार, मैं ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज़ जिला छिंदवाड़ा। मैं अभी बैठा हूँ बेल पेपर फूड कोर्ट यहाँ पे छिंदवाड़ा में। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो इनका है शुभम रघुवंशी जी, जिनका हाल ही में गाना एक रिलीज हुआ है अनसुनी सी बातें, जो बहुत लोकप्रिय हो रहा है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। आइए हम इस विषय में उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शुभम कुमार रघुवंशी है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं छिंदवाड़ा जिले के ग्राम लोनी कला, तहसील चांद से बिलोंग करता हूँ। हाल ही में आपका जो गाना रिलीज हुआ है अनसुनी सी बातें, इस विषय में या इस गाने के बारे में आपको शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैंने शुरुआत किया था पोइट्री लिखने से। ये जो लॉकडाउन का समय था, इस समय में मैंने अपने आप में अपग्रेड किया और मैंने गाने लिखना शुरू किया। पहला गाना मेरा आया था आज से 4 महीने पहले, सौदेबाजी था दिल मेरा। उसको जनता ने अच्छा सराहा, तो उसके बाद मैंने प्रयास करके दूसरा गाना लाया अनसुनी सी बातें, जिसको भी जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। तो मेरी छिंदवाड़ा की जनता से यही निवेदन है कि इस गाने को देखें और शेयर करते रहें। अनसुनी सी बातें सॉन्ग के जो डायरेक्टर हैं और वीडियो कोरियोग्राफर हैं, वो भी हमारे साथ अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनका अनुभव इस विषय में क्या रहा। आपका नाम? मेरा नाम शुभम यादव है, वुल्फ। और अनसुनी सी बातें जो प्रोजेक्ट है, जो SKRT उनका गाना है जी, वो मैंने ही शूट किया है। एडिटिंग टीम, मेरी सारी टीम ने मिलकर इस गाने को शूट किया जी। इस गाने को शूट करने में लगभग हमें 1 से 1.5 महीना लगा जी। मेन चीज़ ये, दिसंबर में प्रोजेक्ट मेरे पास आया था जी, SKRT शोम भाई के द्वारा जी। इस गाने को शूट करते करते बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे छिंदवाड़े से देखने को मिले। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे आए जो मुझे लगता था कि छिंदवाड़ा में इतना अच्छा कलात्मक तौर से दौर आएगा, और वो दौर आज देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, स्पेस में मैं जो वीडियोग्राफी कर रहा था इतने सालों से छिंदवाड़ा में, और बाहर जाने का जो अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, आज यहाँ पे देखने को मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखते हुए मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो टाइम्स न्यूज़ की टीम है, उन्होंने जो इंटरव्यू प्रोग्राम रखा, उनको बहुत ज़्यादा पहले तो धन्यवाद। इससे आग्रह करता हूँ कि और भी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हमसे संपर्क बनाए। अब मैं चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा में ऐसी कला का दौर आगे बढ़ते रहे, और मेरे टीम बुल फोटोग्राफी की सारे लोगों को सपोर्ट है मेरे तरफ से, जितने भी उभरते कलाकार हैं उनके लिए भी। और बस अनसुनी सी बातों के लिए तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है छिंदवाड़ा में, ऐसे ही होते रहें। और SKRT द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया। साथ ही मैं नाम लेना चाहूँगा निखिल जैन, जिनका इनका म्यूज़िक प्रोडक्शन था, जिन्होंने गाने को कंपोजिशन के साथ साथ उस एक गाने के तौर पे हमारे सामने रखा, गाने का म्यूज़िक दिया उन्होंने, गाने का म्यूज़िक दिया। तो निखिल जैन एंड प्रोडक्शन जो उनकी टीम है, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने ऐसे काम किया। वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं, लेकिन उनसे भी आप छिंदवाड़ा में वार्तालाप कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग उनका काम है। वीडियो में उनका लिंक, सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और टाइम्स न्यूज़ के द्वारा मैं बस शुक्रिया करना चाहूँगा कि ऐसे इंटरव्यू आगे भी आप लेते रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अभी शुभम रघुवंशी से बात करूंगा कि इस विषय में उन्होंने आगे भी और गाने बनाते रहेंगे या फिर आप और कुछ करना चाहेंगे? आप आगे भी गाने कंटिन्यू बनाएंगे या फिर जो आपको लोग पसंद कर रहे हैं तो उनको आप प्यार जो मिल रहा है आपको, तो आप क्या करना चाहेंगे जनता से शेयर और कुछ? पहले गाने तक मुझे थोड़ा टेंशन था कि मैं गाना लिख रहा हूँ, उसको बनाऊँगा तो क्या मुझे जनता पसंद करती है, क्योंकि छिंदवाड़ा में ज़्यादातर लोग बॉलीवुड के कवर करते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा ये टास्क था कि मैं गाने को लिखूँ, फिर उसको कंपोज करूँ और फिर उसको जनता के सामने प्रेजेंट करूँ। पहले गाने के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदली, मुझे जनता का प्यार मिला। उसके बाद मेरे मन में एक टास्क था कि अब आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट रहेगा वो सौदेबाजी था दिल मेरा से ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए, तो आपको काम दिखेगा बिल्कुल। छिंदवाड़ा में इतनी सारी लोकेशन जो हमने चूज़ की है सिलेक्टिवली, कि लोगों को लगता ही नहीं है कि ये चीज़ें छिंदवाड़ा में शूट हुई है, तो ये सारी चीज़ें हमने करें और वीडियो का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। तो अब जनता का प्यार जब मिल रहा है तो मैं इन सब सारी चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा और आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे गाने देते रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ अनसुनी सी बातें सॉन्ग जो रिलीज हुआ है, जिसको काफ़ी लोकप्रियता मिल रही है, उसके दोनों ही कलाकार शुभम यादव जी और शुभम रघुवंशी जी।
तो टाइम न्यूज़ की एक छोटी सी पहल, इन उभरते हुए टैलेंट को दिखाया जाए, इनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया जाए। तो मैंने इनका इंटरव्यू लिया और इनसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और टाइम न्यूज़ परिवार की ओर से और मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई गाने के लिए। आगे भी अच्छा काम करें, बेस्ट ऑफ लक है। जाते जाते टाइम्स न्यूज़ की ओर से और मेरा पेरेंट्स से निवेदन है, जो बच्चे टैलेंटेड हैं हर फील्ड में, तो उनको परसेंटेज बेस पे ना देखें, बच्चों में जो टैलेंटेड है, जो टैलेंट है, उनको आगे लाने की कोशिश करें, और जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं बच्चों को आप आने जाने दें, तो वो आप उचित प्रयास करेंगे और आगे आपके लाइफ में आपका नाम रोशन, जिले का नाम रोशन, और साथ ही राज्य का नाम रोशन, और अपने खुद का भी नाम रोशन करेंगे। ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज़, जिला छिंदवाड़ा। वो